पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने सिखाने के लिए मंगलाष्टक। मंगलाष्टक जो होता है, पहली शुरुआत अपने विषय की जो होती है मंगलाष्टक शुरू होती है, उसका उच्चारण आप करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। प्रवेश भगवान की जय। मंगलाष्टक का पहला श्लोक बोलिए। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरः आचार्य जिन शास्त्रोन्नति करः पूज्यः उपाध्यायकः सिद्धांत सुपाठकः मुनिवरः रत्नत्रया पंचैते परमेष्ठिनः कुर्वन्तु ते मंगलम्। अरहंतो भगवन्तेन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या दिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। इसको इस तरह से हम गा सकते हैं। अरहंतो भगवन्तेन्द्र महिता तीर्थाश्च सिद्धीश्वर आचार्या श्री सिद्धांत खोल के बैठो और उच्चारण गुरुदेव के साथ साथ में करो, तब आपको पढ़ना आएगा अच्छे से। हमारी लघु रत्न आराधना दी गई है, बड़ी रत्न आराधना दी गई है, उसमें भी है, और प्रत्येक घर में प्राय करके पूजा पाठ रहती है, उस मंगलाष्टक रहता है। तो ये श्लोक पहला आ रहा है कि अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, ऐसे अरहंत भगवान जिनकी इंद्र महिता, जिनकी इंद्रों द्वारा पूजा की गई, ऐसे अरहंत भगवान और सिद्धार्थ सिद्धेश्वर जो सिद्धियों के समय सिद्ध भगवान, और आचार्य जिन शासन उन्नति करा, जो जिन शासन को उन्नति करने में लगे हुए हैं, जैसे मैं आचार्य पद पर हूँ, मेरा काम है मैं शासन प्रभावना करता रहूँ, आपको हमेशा बताता रहूँ कि हमेशा जागते रहो, धर्म प्रभावना में लगे रहो, और आप देख रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से किस किस तरह से आपको कभी ये विधान कहीं वो विधान, कभी ये कल्याण है कहीं वो कल्याण है, और आपको लगा रखा है, आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, और आप उसमें तन से मन से और धन से सारे भक्त लगे हुए, जितने भक्त यहाँ लगे हुए हैं, मैं सबको दोनों हाथों से भर के आशीर्वाद देता हूँ कि आप इतनी शक्ति प्राप्त करें, जब तक संसार में रहें आप दो हाथों से कमाएं, लेकिन हजार हाथ से आप संसार धर्म के कार्य में लगाएं, शक्ति आप सभी को प्राप्त हुए, आपके संत के अंतराय दूर हों, ये आशीर्वाद आपको देता हूँ। और इसलिए आपके लिए सुबह से हम लोग का उपवास भी हो गए, आज मेरा उपवास है, हमारे अष्टाक्षरी माता जी का उपवास है, भक्तांबर का 36वां उपवास है, फिर भी हम लोगों ने सुबह भी आपके लिए अभिषेक लिया, शांत धरा ली, विधान किया, ये मेरे अपने कल्याण के लिए भी है, क्योंकि हमारे भी आवश्यक कर्तव्य होते हैं इसमें पूरे, हमारे लिए समता स्तुति वंदना, ये हमारे लिए स्तुति नाम का आवश्यक है, वंदना नाम का आवश्यक है, भगवान की स्तुति हो जाती है, साथ में स्वाध्याय हो जाता है, आपको रत्नत्रयारा विधान के माध्यम से हमको आपको बहुत सारा समझा देते हैं, भगवान के गुणों के विषय में बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंसागर जी बहुत प्रभावना कर रहे हैं, आचार्य करण गुरुदेव महाप्रभावना कर रहे हैं, आज सारे विज्ञान को जोड़ रखा है, साइंटिस्ट को जोड़ रखा है, वहाँ हमारे आचार्य देवनंदी जी प्रभावना कर रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, उनका शुगर होने की बात भी लगातार लगे हुए हैं, उनके पास थोड़ी प्रभावना हो रही है, तो शासन प्रभावना करने वाले आचार्य होते हैं। अच्छा, अपने नाम दे कैसे रखा जाएगा उसको, जो हमारे दानी है उन्होंने आहार दान में अपनी ओर से राशि दी हुई है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, गुप्त बोला तो गुप्त ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ाने वाले उपाध्याय, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, सिद्धांत पढ़ाने वाले पाठक, और मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका, रत्न की आराधना करने वाले मुनिराज, पंचैते, ये सभी ऐसे पांच परवेष्टि जो है, ये प्रतिदिन हर दिन कुर्वंतु ते मंगलम, हर दिन हमारा मंगल करें। आप ते मंगल कह सकते हो,
मैं मंगल कह सकते हो, न मंगल कह सकते हो, वह मंगल कह सकते हो। ये मतलब तुम्हारा, मैं मतलब मेरा, वह मतलब हमारा, न मतलब हम सबका मंगल करे, ये उसमें अर्थ होता है। एक मंगलाष्टक का अपना पहला श्लोक हुआ है और अपन आगे कर लेंगे इसको हर दिन। मंगलाष्टक के आपको श्लोक को समझना है, इसलिए अपने साथ में मंगलाष्टक लेकर के आइए। पहले मंगलाष्टक ही होता है, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो अभिषेक के पहले आपको नियम से मंगलाष्टक करना चाहिए। मंगलाष्टक करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। ये बहुत ही मंगलकारी श्लोक है, आपका मंगल करता है, विघ्नों को दूर करता है, उसके बाद अभिषेक शुरू होता है, उसके लास्ट में फल आने वाला है। ये जो श्लोक है लिखा है इत्थम श्रीज मंगलाष्टक विदम, ये जो मंगलाष्टक विदम है ये कैसा मंगलाष्टक है, तो ये सौभाग्य प्रदम, आपके लिए सौभाग्य और संपदा प्रदान करने वाला। कल्याण इस महोत्सव तीर्थंकराणामुषा, जितने तीर्थंकर भगवान की शरणक होते हैं तो प्रत्येक कल्याण बड़े बड़े उत्सवों के अंदर में इसको नियम से पढ़ा जाता है, रोज पढ़ा जाता है। और ये श्रणवंती जो इसको सुनते हैं, पठंती पढ़ते हैं, तेष्ट सुजने उन धर्मात्माओं के धर्मार्थ कामान्विता, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। मतलब मंगलाष्टक पढ़ने से आपका धर्म पुरुषार्थ होगा, अर्थ मतलब आपको व्यापार इससे सिद्ध होगा, और काम पुरुषार्थ जिनकी शादी हो गई, दंपत्ति है, दुखी है, परेशान है, शादी नहीं हो रही है, मंगलाष्टक पढ़ मंगल हो जाएगा। और लक्ष्मी राशि दे पाए रहता, जो मंगलाष्टक पढ़ता है उसके यहाँ पर लक्ष्मी व्यापार रहता, बाधा से रहित लक्ष्मी उसके यहाँ पर निरंतर आश्रय लेती, निर्वाण लक्ष्मी रपी, और अंत में निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये मंगलाष्टक का बहुत बड़ा अर्थ है, फल है। इसलिए अभिषेक से पहले हर धर्मात्मा समदृष्टि जीव मंगलाष्टक को पढ़ता है और फिर उससे आगे जाकर के अभिषेक विधि। महाराष्ट्र में बुरा नहीं पढ़ते, महाराष्ट्र में एक प्रथा नहीं है, एक अज्ञानता है। भगवान का अभिषेक शुरू होगा तो अभिषेक के पहले शुरू कर देंगे कैलाशे वृषभस्य निर्वृति मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जन पते सम्मेद शेलिरहतां शेषाणाम पिचोर्दयंत शिखरे निभीष्परस्यार्हतो निर्वाणावन्या कृत्वा कुर्वन्तु ते मंगलम्। ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान। आगे पढ़ना बस रहते। ये बताओ कि भगवान तीर्थंकर का जो जन्माभिषेक होता है वो कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? पांडु शिला पे होता है, मेरु पर्वत पर। निर्वाण मंदिर में नहीं होता है? निर्वाण चले गए भगवान वहां से तो सीधे एक मतलब मुश्किल से एक अल्प समय के अंदर में पांच कक्षा स्ट्रक्चर के उच्चारण समय के अंदर में कर्म काट के भगवान सीधे सिद्धालय में चले जाते हैं। अब वहां का अभिषेक करोगे निर्वाण मंदिर में? इसलिए जो भगवान को विराजमान करने का श्लोक होता है वो आता है यम पांडु कामल शिलागत माति देव स्नापयन तो पांडु शिला पे भगवान का अभिषेक होता है, इसलिए वो श्लोक बोलना चाहिए, नहीं कैलाश से बोलना चाहिए। भगवान तो अधिबीज में अधर्म से मोक्ष जाते हैं, ये तो कल क्षेत्र के रूप प्रतीक रूप में गीता उनके चरण नक और बाल से 5000 वर्ष पूर्व भगवान रहते हैं अनंत अवस्था में, और वहीं से 5000 वर्ष ऊपर से ही कर्म काट करके वो सिद्ध बनते हैं। जब सिद्ध बनते हैं तो उनका जो जैसे उनका जीव सिद्धालय में जाता है तो उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, और मात्र नख और केश जो रहते हैं वो जहाँ होते हैं वहां से ठीक पीछे जाकर के वहां गिरते हैं, और वहां पर आकर के जो अग्नि कुमार इंद्र है उनका कृत्रिम शरीर की रचना करता है, अग्नि संस्कार करता है, और इंद्र वहां पर शरण बनाते हैं। स्टीम कैलाश सिंह आगे वहां गए तो निर्वाण का विषय, अभिषेक का विषय उसमें नहीं। चारों वेद में निर्वाण का नाम ही नहीं आता, वाला अभिषेक का नाम ही नहीं आता, मंगल करे इसलिए उनका नाम लिया जाता है। वो हमारा मंगल करे यार, तो भाई साहब श्लोक ये पढ़ना चाहिए। ये श्लोक कौन सी वाणी के अंदर है? तो आपके पास में रत्न प्रिय आराधना दी हुई है, उसके अंदर है रत्न प्रिय आराधना में, रत्न प्रिय आराधना छोटी हो चाहे बड़ी हो हरेक के अंदर दिया हुआ है, और इसके अलावा पूजा पाठ प्रदीप के अंदर भी आते हैं, उसमें मिल जाएगा। कोई तो जिनवाणी आपके घर पे होगी, हर जिनवाणी में मातृ भावना हो सकती है, मातृ भावना उसके अंदर भी रहेगा,
मंगलाष्टक कहता ही है। आपको मैंने पहला श्लोक बताया, अर्थ बताया, कैसा लगा आपको श्लोक? आपने समझा? आगे आगे सबके अर्थ बहुत अच्छे से आएंगे, अच्छे से प्रत्येक श्लोक का उच्चारण और साथ में अर्थ। और उसमें भी अभी हमारे मस्टर भैया के माध्यम से यहाँ पर पूरा लाइव चल रहा है जूम पर, तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा हमेशा के लिए। आप आगे भी देखकर इसका उच्चारण कर सकते हैं।